भारतीय समता अवार्ड समारोह 2018 दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भाजपा सांसद डॉक्टर उदित राज चीफ गेस्ट थे। भारतीय समता पार्टी के अध्यक्ष कलीराम तोमर ने नई फिल्म सच की जीत का ऐलान किया, जिसकी बॉलीवुड की कास्ट के साथ सुमन नेगी को फिल्म के लिए साइन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली मुंबई के सेलिब्रिटियों को समता अवार्ड 2018 दिया गया। प्रोग्राम में भोजपुरी सिंगर सपना पाठक, रमेश पंडित, सुमन नेगी, दीपक वालिया, महानगर मेल समाचार के श्री गहलोत, भूपी सिंगर एंकर के मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को समता अवार्ड 2018 से नवाजा गया। कलीराम तोमर ने फिल्म का एक आइटम सॉन्ग भी पार्टी में सुनाया। कलीराम तोमर जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और वो ऐसे अवार्ड्स हर बार करते हैं और ये उम्मीद करती हूँ कि हमेशा वो इस तरह के अवार्ड्स करें ताकि मुझ जैसी और भी कलाकार को सम्मान मिले। क्या मेरी आने वाली फिल्म है बेईमान आशिक एंड तेरे प्यार में, हीरो में कबीर खान। आई हैव डन अ लॉट ऑफ मूवीज ऑफ रीजनल्स हरियाणवी, माय फर्स्ट फिल्म वाज धाकर छोरा एंड आफ्टर दिस आई हैव डन अ लॉट ऑफ मूवीज एंड आई एम डूइंग हिंदी फिल्म्स ऑफ सुबीर मुखर्जी आल्सो एंड उत्तम कुमार के साथ काफ़ी फिल्में आने वाली हैं जो आपको जल्द हम दोनों की जोड़ी देखने को मिलेगी। उत्तम कुमार के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग उनके साथ की थी और तब मैं बिल्कुल फ्रेश थी, नई थी और मैं जानती नहीं थी कैमरा फेस कैसे करते हैं, लेकिन वो उस लैंग्वेज से वाकिफ थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक नया कलाकार को सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट किया और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं मतलब फिल्मी लोगों के बीच में वर्क कर रही हूँ। मुझे घर का माहौल मिला, उसका ही ये रिजल्ट रहा कि फिल्म इतनी हिट रही, क्योंकि हमने बहुत खुले माहौल में काम रहा और उत्तर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों की काफ़ी मूवीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कलीराम तोमर जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपना योगदान दिया है आज उसे सम्मान से नवाजे गए भारतीय समता समाज के माध्यम से, और सामाजिक रूप से बहुत बड़ा काम करते हैं पूरे देश में। तोमर जी जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ती वहाँ जाते भी हैं और वार्षिक स्तर पर बल्कि वर्ष में कई कार्यक्रम इस तरह से करते रहते हैं, तो आज उन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा जो विभिन्न क्षेत्र में खासतौर से सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि जो भी नए हमारे मतलब प्रतिभा जो भी समाज में उभर के आ रहे, जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं, नई पीढ़ी के जो भी लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि सबको समान रूप से मतलब एक अवसर मिल रहा है सबके मतलब अपना आगे आके बढ़ के समाज के लिए कुछ कर सके, और इस वजह से उनको अपना मतलब जो भी अपना कंट्रीब्यूशन जो भी है वो अपना देकर इस समाज में और सम्मानित हो रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है सिर्फ हमारे असमवासी गुवाहाटियों के लिए, पूरी इंडिया से ऑल ओवर इंडिया पीपल आर कमिंग, दे आर गेटिंग अवार्डेड, सो इट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग फॉर अस एंड वी आर वेरी मच ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू श्री कालीराम तोमर सर फॉर दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आर इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड दिस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी दैट वी आर टेकिंग अप टू। थैंक्स। श्री कालीराम तोमर सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इतने सारे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक अवार्ड मिलने से सभी को मतलब कुछ करने की चाहत होती है कि मैं ये करूँगी तो मुझको ये मिलेगा, वो तो सभी चाहेंगे, तो इस वजह से इस अवार्ड की वजह से भी हम सभी लोग मिलके सोशल वर्क कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ भी मतलब हम लोगों को मौका मिले हम लोग छोड़ते नहीं करने के लिए, तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से समता समाज और कालीराम तोमर जी को धन्यवाद मतलब करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इतना मतलब काम काबिल समझा, और ये बहुत ही मतलब अच्छा बात है कि हम लोग आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को जो ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इससे हम लोगों का और भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि और कुछ कर सकूं समाज के लिए तथा खुद के लिए भी। मैं समाज सेविका भी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, और जैसे अनएजुकेटेड वुमेन है जो घर में काम करती हैं लोगों के घर में,
उन्हें भी मैं फ्री में पढ़ाती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हर जगह से लोग आ रहे हैं, और उस बीच कालीनाम तोमर जी ने मुझे भी एज ए गेस्ट इन्वाइट किया। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इट्स रियली फील ग्रेट। और अच्छा लगता है जब छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं और उन्हें एनकरेज किया जाता है ताकि हम आगे बढ़ सके। भारतीय संता समाज अवार्ड हम 2010 से कर रहे हैं, और जो लोग इस देश के लिए, इस समाज के लिए, गरीब तबके के लिए काम करते हैं, हम उन लोगों को अवार्ड देने का काम करते हैं। क्योंकि मैं खुद सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आज इस देश में 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल लोगों को हो चुका है, लेकिन उनको सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिलता है। इसलिए हम अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन प्रतिभाओं को ढूंढ कर निकालते हैं और उनको सम्मानित करना काम करते हैं। यह सिलसिला हमारा 2010 से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज कितने अवार्ड दिए जा रहे हैं? आज करीब 60 अवार्ड हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और 30-32 हमारे प्रांत हैं, तो सभी प्रांत के लोग इसमें आए हुए हैं, तो इसमें से हम करीब 67 अवार्ड इस साल दिए जा रहे हैं। 67 अवार्ड दे रहे हो, ये किस क्षेत्र के लोग हैं? ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, क्लासिक डांसर हैं, मॉडल्स हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, टीवी सीरियल के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, हम उनका अवार्ड देना काम कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्रीड़ा में हो, जूडो कराटे में हो, तो हर फील्ड के लोग हम समाज में जो काम कर रहे हैं उनका अवार्ड देने का हम काम करते हैं। समता अवार्ड्स जो है ये विभिन्न क्षेत्रों के जो भी बंदे हैं उनको ये सम्मानित करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेरी शुभकामनाएं कलीराम तोमर जी के साथ में हमेशा हैं, और उनसे मैं यही कहूँगा इस तरह वो आगे हर किसी को प्रोत्साहित करते रहें। सबसे पहले तो मैं कलीराम तोमर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो 2010 से यह समता अवार्ड कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे समाज, हर समाज के हर विशेष वर्ग के लिए अवार्ड किया है, हर कैटेगरी का अवार्ड रखा है। मेरे जो नज़रिया है उस हिसाब से हमारे पूरे देश में आजकल अवार्ड शो काफ़ी होने लगे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है जो भी अवार्ड शो करते हैं कि जितने भी हमारे देश में होनहार नव प्रतिभाएँ हैं, जिनों में नए नए जोश हैं, जिनों की नई नई आकांक्षाएँ हैं, और जो हर एक फील्ड में अलग अलग आ रहे हैं, उनों के सारे फील्डों में उनको कुछ ना कुछ सम्मानित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है, देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज हम हैं समता समाज की पार्टी के प्रोग्राम पर, और हमारे सामने हैं वालिया जी, दीपक वालिया जी, और साथ में हमारे विशेष व्यक्ति हैं, वो खुद ही बताएंगे अपना नाम, और मैं जानना चाहूँगा उनसे वो समता पार्टी से किस तरह जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अफजल खान है और मैं समता समाज से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मजदूरों के लिए काम करता हूँ और उनके जो भी हो सकता है उनके हित की लड़ाई लड़ता हूँ। इससे पहले आपने कौन कौन से काम किए? ये मैं ज़्यादातर मजदूरों की ही लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे उनका चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे उनके रोजगार से संबंधित हो, चाहे उनकी बेज बोर्ड से संबंधित हो, उनके मैं हर मुद्दे पर उनकी लड़ाई आवाज़ अपनी बुलंद करता हूँ। वाले साहब आप हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे समता समाज पार्टी के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि कलीराम तोमर जी हमारे बड़े भाई हैं, और वो समता समाज का प्रोग्राम 2010 से कर रहे हैं, और मेरी शुभकामना ये है कि आगे वो इस प्रोग्राम को हर गत वर्ष करते रहें, और समाज के बारे में जो उनके ख्याल आते हैं, मैंने बातचीत होती रहती है उनसे, वो बड़े नेक लगते हैं, और मैं चाहता हूँ कि समता समाज जो है ये परिवार एक आगे बढ़ना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए। अच्छा वाले साहब, आज दुखद समाज आ रहा है हमारे, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो व्यक्ति अच्छे थे, उनके विषय में क्या कहना चाहूँगा? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे, वो एक तरह देश के हमारे प्रधानमंत्री तो थे ही, और वो एक कवि भी थे बहुत अच्छे, कई नेताओं को उन्होंने कविता में ही बातें समझा दी, उन्हें बोलना ही नहीं पड़ा कि विपक्ष और पक्ष में, कभी देश की बात आती थी तो वो कभी कांग्रेस बीजेपी सबको साथ लेके आगे चलने की बात करते थे, वो कहते थे जो हमारी लड़ाई है वो देश में अपनी हमारी है, और बाकी बाहर के लिए हम सब एक हैं, चाहे उसमें कांग्रेस थी चाहे बीजेपी, बीच में आपने सुना होगा एक इंट्रो उनका काफ़ी चला था, और उसमें उन्होंने ये खाली यही बोला था कि कांग्रेस बीजेपी कोई मायने नहीं रखती, सबसे पहले देश है, देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। और मेरे को बड़ा दुख है उनके जाने का, हमारे समाज के बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, ज्ञानी का ही
धन्यवाद दे सकता हूँ मैं उनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत था, पर भगवान की कुदरत थी जो इतने टाइम वो बीमार भी रहे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो ये थे हमारे साथ दीपक वालिया जी, जो हमें बहुत ही अच्छा बताया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। सब्सक्राइब करें।